हेलो एवरीवन दिस इज अनमोल तो लास्ट टाइम इन्होंने मैंने एक वीडियो बनाई थी कि रीडिंग को इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है एंड काफ़ी स्टूडेंट्स का मैसेज आया कि उस वीडियो को फॉलो करने के बाद उनको रीडिंग बड़ी ही इंटरेस्टिंग लगी एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे लिसनिंग को कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है एंड अगर आपने बाकी वीडियोज़ नहीं चेक करी प्लीज़ उन्हें भी चेक करना डेफिनेटली आप अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हो तो लिसनिंग को इंटरेस्टिंग बनाने से पहले आपको एक दो चीज़ों का ध्यान रखना है आपने कोई मूवीज़ वगैरह नहीं देखनी ज़्यादा एंड टी वी शोज़ आप थोड़े बहुत देख सकते हो अगर आपके पास टाइम है मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मूवीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं देखनी उसका रीज़न ये है कि हमें मेक श्योर sure करना है कि हम भाई लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करें क्योंकि मूवीज़ में ऑलमोस्ट सेम स्टोरी आपको मिलेगी या फिर उसमें इतनी वो बातचीत नहीं करते हमारा मेन फोकस होता है कि मूवी में स्टोरी क्या है ना जब भी वो इंग्लिश में बात करते हैं चाहे हमें उनकी समझ आए ना आए बट हमें मूवी का पता चल जाता है तो उसकी जगह आपने ना डेली मैं आपको कुछ एक दो चीज़ें बता रहा हूँ टॉपिक्स आप एक तो माइंड के बारे में सुनो आपकी लाइफ चेंज होगी उससे चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी प्लस आपकी लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी तो यूट्यूब पे सर्च करो माइंडसेट के रिलेटेड पॉडकास्ट इससे आपका इंटरेस्ट बनना स्टार्ट होगा फिर उसके बाद आप जो अमेरिकन एक्सेंट है काफ़ी लोग हैं अमेरिका के जिनके यूट्यूब चैनल्स हैं उनकी पॉडकास्ट सुनो ब्रिटिश एक्सेंट की पॉडकास्ट सुनो सीखने को बहुत कुछ है जो यूट्यूब है ना वो एक फ्री यूनिवर्सिटी है हर एक टॉपिक इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी फ्री में आप सीख सकते हो अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो डेली आपने ना ऐसे टॉपिक्स फाइंड करने हैं जिससे आपका इंटरेस्ट हो आप यकीन नहीं करोगे अगर आपका एक बार इंटरेस्ट बनना शुरू हो गया ना उसको सुनने में भाई आपकी स्किल्स बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगी एंड आप नाइन बैंड तक भी स्कोर कर सकते हो एक तो डेली आपने पॉडकास्ट सुननी है अगर आपको लिसनिंग में इंटरेस्ट बनाना है सेकंड है एंड डेली आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है कोई भी दिन आपने स्किप नहीं करना क्योंकि इसको इम्प्रूव करने में टाइम लगेगा बट अगर आप इसको 15 दिन तक ऐसे फॉलो कर लोगे ना आपको इंप्रूवमेंट दिखेगी सेकंड आता है जो लिसनिंग का टेस्ट है उसको पहले तो आप सिंपल सॉल्व करो जो फिर उसके बाद आपने ये चेक करना है कि पार्ट वन पार्ट टू को एक सेक्शन में डिवाइड कर लो पार्ट थ्री पार्ट फोर को सेकंड सेक्शन में उसको बेसिकली एक पॉडकास्ट बना दो फिर उसको सुनना स्टार्ट करो इस परपज़ से कि ये बोल के आ रही हैं एंड आपने वो वीडियोस भी आप चेक कर सकते हो जिसमें दो या तीन लोग एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं इससे आपकी हैबिट बन जाएगी एंड आपका इंटरेस्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा एंड छोटे छोटे आप चैलेंज ऐड कर सकते हो जैसे कि आप दे आप ये चेक करो कि कितनी कैपेसिटी है कि कितना टाइम भाई आप सुन सकते हो एंड उसको समझ सकते हो एंड साथ, साथ आप ये भी कर सकते हो अगर आप पॉडकास्ट को फॉलो कर रहे हो ना सुनने के साथ साथ छोटे छुड़ छोटे नोट्स बनाने की कोशिश करो जब जब वो बोलते हैं क्योंकि आपकी इसके साथ दो तो चीज़ों की प्रैक्टिस होगी एक तो आप सुनोगे ऊपर से आप थोड़ा बहुत नोट्स बना रहे हो तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी जब आप एग्ज़ाम में जाओगे आपको हार्ड नहीं लगेगा ये स्टेप्स हैं जिससे आपकी लिसनिंग भी इम्प्रूव होगी एंड आपको वो इंटरेस्टिंग भी लगेगा क्योंकि आप बिल्कुल उसको हर एक चीज़ उसमें कवर कर रहे हो है ना डेली उसकी प्रैक्टिस करनी उसको सुनना टेस्ट को भी सॉल्व करना फिर उसी टेस्ट को पॉडकास्ट में चेंज करना फिर छोटे छोटे उसके रिलेटेड चैलेंज बनाना कि मैं कितना इसको सुन सकता हूँ इसके नोट्स बना सकता हूँ तो इससे भाई पंद्रह दिन तक इसको कर लोगे ना आपको खुद इंप्रूवमेंट दिखेगी लिसनिंग में स्कोर भी आएगा इंटरेस्टिंग भी आपको लगेगा तो ये बेस्ट मेथड है अगर आपको मैं सच बताऊं इसको एक बार फॉलो कर लिया एक बार आपकी स्किल्स इंप्रूव हो गई आपको ना कोई टिप्स एंड ट्रिक्स भी नहीं चाहिए होंगी कि एम को कैसे सॉल्व करूँ कौन सा मैथड लगाऊँ जब एक बार आपको पता लग गया कि वो बंदा आपको क्या कह रहा है उसका मीनिंग समझ में आ गया एंड फिर उसके बाद तो भाई सब आपका सही होगा ना प्रॉब्लम तो सभी अंडरस्टैंडिंग की होती है कंसंट्रेशन की होती है फोकस की होती है तो वही तो हम कर रहे हैं इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आई होप आप समझ रहे होगे कि मैं आपको क्या मैसेज देना चाहता हूँ एंड बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन है नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो एंड एंडगज़ अगर आपको कैनडा के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए प्लीज़ मेरा सेकेंड यूट्यूब चैनल जरूर चेक करना आपके वीडियोज़ बड़ी ही हेल्पफुल रहेंगी एंड थैंक यू सो मच गाइज़ आप इतना सपोर्ट करते हो कोई भी क्वेश्चन है आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में डिस्कस कर लेना या इंस्टाग्राम पर भी आप मेरी वीडियोज़ को फॉलो कर सकते हो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हैव अ वंडरफुल डे